हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन का कोर्स चल रहा है विद एक्सप्लेनेशन फॉर रेलवे एनटीपीसी 2019 के एग्जाम के लिए। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएल जैसे सीपीओ का एग्जाम तो हो चुका है, लेकिन यहाँ सीएचएसएल जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोर्स आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। गाइस, ये एपिसोड 7 है, तो प्लीज़ रिमेंबर। तो गाइस, और मैं आपको बताना चाहूँगा साथ साथ, हम एपिसोड 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। सारे कोर्सेज जो भी मैंने अभी तक बना चुका हूँ, तो वो मैंने प्ले लिस्ट में दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश रिलेटेड कोर्सेज हैं वो मैंने दिए हुए हैं। ठीक है भाई, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपिसोड 7 का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया की, जो हमारे हमारे भारत देश की लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी कौन सी है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। कौन सी है गाइस? ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार। कौन सी गाइस? अंडमान एंड निकोबार हमारे एरिया में जो है, लार्जेस्ट एरिया में जो है अंडमान निकोबार है। ठीक है, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। ऑप्शन सी यानी कि लक्षद्वीप यानी कि लार्जेस्ट एरिया में है, और स्मॉलेस्ट एरिया में लक्षद्वीप। कौन सी स्मॉलेस्ट एरिया में? कौन सी स्मॉलेस्ट एरिया में? लक्षद्वीप। प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए माई स्टडी क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्रीज विद नेपाल। कितने स्टेट्स हैं जो नेपाल से बाउंड्री को शेयर करते हैं? ऑप्शन ए 3 स्टेट्स हैं, ऑप्शन बी 4 स्टेट्स हैं, ऑप्शन सी 8 स्टेट्स हैं, ऑप्शन डी 5 स्टेट्स हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, या आप थोड़ा सोचिए कि कितने स्टेट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर। ऑप्शन डी है 5 स्टेट्स शेयर करते हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो 5 स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं, 5 राज्य हैं जो नेपाल से बाउंड्री को शेयर करते हैं। ठीक है, जो जिस जहाँ से नेपाल सटा हुआ है राज्यों के साथ, वो कौन कौन से राज्य हैं मैं आपको बता देता हूँ एक बार। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, सिक्किम है। ठीक है गाइस, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, हमारा सिक्किम हुआ, ठीक है, बिहार हुआ। ये 5 स्टेट हैं शेयर करते हैं। ये एसएससी सीजीएल 2016 में यानी कि सीएचएसएल जैसे एग्जाम में आया हुआ था, एसएससी सीजीएल में भी कई बार आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में। ठीक है, किस इंडिया जो है देश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में, कौन से नंबर पे, कौन से नंबर पे कंट्री है? ठीक है, लार्जेस्ट एरिया में कौन से नंबर पे आती है, कौन से रैंक में आती है? ठीक है, ऑप्शन ए है 3rd, ऑप्शन बी है 5th, ऑप्शन सी है 7th, ऑप्शन डी है 9th। मैं जानना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को जो है काफ़ी बार देखा गया है, काफ़ी सारे एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं काफ़ी अच्छे से डिकोड करूँगा, तो प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर, ध्यान से सुनिएगा। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, ऑप्शन सी है 7th नंबर पे, पहले नंबर पे आती है, यानी कि पहले 7 नंबर पे आती है हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान। ठीक है, 7 नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, वर्ल्ड में। और पहले नंबर पे कौन सी? रशिया पहले नंबर यानी कि रूस है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कैनेडा, तीसरे नंबर पे है चाइना, चौथे नंबर पे है यूएसए, पाँचवें नंबर पे है ब्राज़ील, छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पे है इंडिया हमारी कंट्री है। ठीक है, और हमारे 8वें नंबर पर अर्जेंटीना। ठीक है गाइस, प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर। मैं आपको एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, पहले नंबर पे रशिया यानी कि रूस, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है चाइना, चौथे नंबर पे है यानी कि यूएसए, पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील, छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पे है इंडिया, और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना। तो प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो सोमलिस्ट एरिया है यानी कि सोमलिस्ट एरिया वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी है सोमलिस्ट एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी, तो प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, जो सोमलिस्ट एरिया में है वो है वेटिकन सिटी, और पॉपुलेशन में भी है वेटिकन सिटी। ठीक है, और जो है जो पॉपुलेशन में है, नंबर 1 पे आती है चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे है हमारी यानी कि यूएसए। ठीक है, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे है यूएसए, और जो वेटिकन सिटी है वो पॉपुलेशन में बहुत कम है, यानी कि सोमलिस्ट एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी। ठीक है गाइस, प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं गाइस, द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मोस्ट सक्सेसफुल इन दिस। गाइस, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एक इसके साथ एक एक क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि मोस्ट सक्सेसफुल कैसे हुआ, और जो है कि क्यों सक्सेसफुल हुआ, कैसे हुआ और क्यों भी सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। मैं आपको अच्छे डिकोड करता हूं। ऑप्शन ए है पंजाब एंड तमिलनाडु, ऑप्शन बी है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या है, बी ऑप्शन है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ पे काफ़ी सोर्सेज अच्छे हैं, इरीगेशन के सोर्सेज अच्छे हैं, सिंचाई करने के सोर्सेज अच्छे हैं, मिट्टी भी अच्छी है, काफ़ी मात्रा में पानी मिल जाता है, अबंडेंट मात्रा में
पानी मिल जाता है, प्रचुर मात्रा में पानी मिल जाता है, ठीक है, तो इसलिए अच्छा है। और ये क्वेश्चन फ्रेम होता है, ये सक्सेसफुल क्यों हुआ था, किस कारण से सक्सेसफुल हुआ था, इसलिए इसी कारण से सक्सेसफुल हो गया था कि इरीगेशन की व्यवस्था अच्छी है, पानी भी बहुत अच्छा है, सिंचाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ के बीज भी बहुत, और हमको अच्छे बीज भी मिले थे, सीड्स जो मिले थे वो अच्छे बीज भी मिले थे, ठीक है, वाटर के अच्छे सोर्स थे, इसलिए सक्सेसफुल हुआ था। और उस टाइम पर गई 562% जो बीज आए थे, जो इम्पोर्ट किए गए थे, अच्छे थे, और यानी कि 6 टाइम्स अच्छे थे, इसलिए जो है अच्छी उपज हुई थी, वीट के जो गेहूं की फसल जो हुई थी वो बहुत अच्छी फसल हुई थी, ये और वीट के नाम से ही जाना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन को, जो अच्छे सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है गाइस। और जो है काफ़ी अच्छे टाइप्स के बीज थे उस टाइम जो इम्पोर्ट किए गए थे, जिससे हमारी 562% इंक्रीज़ हो गई थी हमारी, और यानी कि 6 टाइम्स हमारी फसल अच्छी हुई थी गेहूं की, ठीक है गाइस। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हुई, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छे टाइप्स के सीड्स थे इम्पोर्ट हुए थे जो, प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर। और वट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर में, जो हमारी जो पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, वो तो कितने परसेंट लगी हुई है यानी कि एग्रीकल्चर में। ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 80%। कितने कितने परसेंटेज गई, वो है 60%। कितने परसेंट, 60%। हालांकि गई जो GDP में ग्रोथ होती है जो एग्रीकल्चर से जो मिलती है, यानी कि वो केवल जो है वो 40% ही मिलती है, यानी कि सॉरी 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 14% ही हमको इंक्रीज होती है, जो GDP से ग्रोथ होती है एग्रीकल्चर के द्वारा वो 14% होती है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो लगी हुई है एग्रीकल्चर में, वो लगी हुई 60%। और एग्रीकल्चर को बोला जाता है, खेती को बोला जाता है बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, हमारे यही क्वेश्चन ही फ्रेम होता है, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी किसको कहा जाता है, वो एग्रीकल्चर को कहा जाता है बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, तो प्लीज प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया डेट वॉज एस्टेब्लिश इन 1936 वॉज नेम्ड एज, कौन सा नेशनल पार्क है जो फर्स्ट नेशनल पार्क है जो एस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी भरतपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी हिले नेशनल पार्क, और ऑप्शन डी राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। ऑप्शन सी है हिले नेशनल पार्क, ठीक है। इसको जिम कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता है, और जो है जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे लोकेट होता है ये भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, नैनीताल में, यानी कि उत्तराखंड के नैनीताल में लोकेट है, ठीक है। एलिफेंट्स हैं वहाँ पे, टाइगर्स हैं, और जो है काफ़ी अच्छे बर्ड्स भी हैं, ठीक है, यानी कि जिम कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता है, तो प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रॉन्ग पेयर, आपको इन सभी में से कौन सा रॉन्ग है आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, कर्नाटका में। ऑप्शन सी सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में। ऑप्शन सी अन्नामलाई नेशनल पार्क कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। और ऑप्शन सी है पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या है, या आप थोड़ा सोचिए कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। ऑप्शन डी है पेरियार नेशनल पार्क, वो कहाँ पे है, वो है केरला में, यानी कि वेस्टर्न घाट में, कहाँ पे, केरला के, यानी कि केरला में वेस्टर्न घाट में, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर। और यानी कि ये भी याद रखिए कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे, कर्नाटका में। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है गाइस, प्लीज प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। ऑप्शन ए मणिपुर, ठीक है, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी सिक्किम। गाइस मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन का आप थोड़ा सोचिए, क्योंकि जो रेलवे NTPC में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2011 के सेंसस से पूछे जाते हैं, और हमारा जो सेंसस होता है वो हर 10 साल में होता है, ठीक है, हर साल में जनगणना की जाती है, तो ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है गाइस। जो भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ वो एनालिसिस करके ही लेता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करता हूँ, क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होता है, ठीक है। जब भी मैं इस कोर्स को एनालिसिस करता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस किया हो, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन ए मैंने बताया कि ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी सिक्किम। क्या है गाइस, लोएस्ट पॉपुलेशन है सिक्किम, लोएस्ट पॉपुलेशन कौन है सिक्किम, जहाँ की लोएस्ट पॉपुलेशन 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है गाइस, ठीक है गाइस। 2021 में जनगणना होगी, हर 10 साल में जनगणना होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट, यानी कि जहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं जानना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग सही करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट, किसका है गाइस, बिहार का है, बिहार का किसका है, वहाँ पे काफ़ी कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो अदर स्टेट्स में हैं तो लिटरेसी रेट यहाँ का कम है, तो प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, विच स्टेट ऑफ इंडिया है द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत कम लोग हैं, सॉरी यहाँ पे बहुत पुअर लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। मैं बताना चाहूँगा, आप थोड़ा सोचिए कि आपका कन्फ्यूजन किस में हो सकता है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, मैं आपको डिकोड करता हूँ एक बार, आप थोड़ा सोचिए गाइस। मैं आपको बताना चाहूँगा आंसर है इसका बी छत्तीसगढ़, ठीक है गाइस, छत्तीसगढ़। और यहाँ पे जो है यानी कि परसेंटेज जो है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज जो आई है 39.93,
39.93% है अप्रोक्सीमेटली कि वहाँ पे लोग जो है पुअर लोग हैं, यानी पॉवर्टी लाइन है, यानी कि बहुत गरीब लोग हैं, ठीक है। और ओके गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको कोर्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, रेट कीजिए और कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। ओके गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।